सत्संग जी, भाई गुरदास साहब जी, महापुरख श्री गुरु अमरदास महाराज साहब जी बंसरी क्यों भले साहब जादे में हो रहे हैं, सतगुरु महाराज साहब के, गुरु अमरदास साहब के होर भराटा जेडे सन, उन्होंने चो भाई ईश्वरदास जी एक भराटा सन, उन्होंने पुत्र सन भाई गुरदास साहब जी। सतगुरु अमरदास साहब जो गुरदा गद्दी कर रहे सी उस वक्त इन्होंने जन्म महाराज साहब की हजूरी विच ही होया है, पर बालक अवस्था जी सन श्री गुरु अमरदास साहब जी के कौतक जेडे सी बालक लीला विच हुंदे होए इन्होंने थोड़े दर्शन किए सन, पर सतगुरु रामदास महाराज साहब की शरण जब अमृतसर साहब महाराज जी ने बनिया है 1627 विक्रमी कां जेडे सन साध सिंह जी हंसो इशनान करके अमृतसर सतगुरु सतवाद जी बनाते कौआ हंसो है तो हो गए सन। उस वक्त भाई गुरदास साहब जी अमृतसर साहब महाराज की शरण आए सन, अमृतसर साहब महाराज की शरण में आके गुरमत प्राप्त की सी। भाई गुरदास जी के ताई सतगुरां ने साध संगत जी जो महला होना है सतगुर का जो सिख खाए तो भलको हेठर नाम ते आवे ये गुरसिखी की मर्यादा का उपदेश भाई गुरदास साहब नूं पहला ही दान होया सी। इस मर्यादा नूं पा के भाई साहब जी बड़े विद्वान कमाई आए पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होए अते विद्या वेद शास्त्रां की सारी आप जी के हस्तावर वच सी, कोई ऐसी विद्या नहीं जिहदे ना जाणू होण, पर देश की बोली नूं ऐसा आदर दित्ता भाई साहब जी सतगुरु साहब की कृपा द्वारा गुरु रामदास साहब की शरण च गुरमत पा के आदरे च सिखी प्रचार करन वास्ते गए सन। श्री गुरु रामदास साहब जी जोती जो समाए सुने उदों आगरे विच ही सन, आगरे तो संगत नूं नाल लै के इत्थे सब संगत जी गोइंदवाल साहब पुजे। गोइंदवाल साहब दिन छिप गया सी, बेड़ियां वाले मलाह नहीं सन उस वक्त, इन्होंने गुरु अर्जन साहब का शब्द सुनिया सी आगरे च कि महाराज साहब का हुक्म है गुर का बचन बह जी नाले जलनी डूबा तस्करनी देवा पाहना साके जाले। उस वचन ते निश्चा करके सारी संगत नूं जिहड़ी आगरे तो आई सी नाल है उन्होंने कहा भाई गुरु साहब का वचन है गुर का बचन बह जी नाले जलनी डूबे तस्करनी देवे पाहना साके जाले, आप गुरु साहब के बचना नूं कमाओ। यह सुन करके साध संगत जी सारे सिखां नूं निश्चा किया, भाई गुरदास साहब जी अगे हो गए ते सारी संगत मगर है वाहिगुरु का सिमरन करते हुए गोडे गोडे पानी सारी ब्यासा लाया। जो बड़ी डूंगी नदी सी पहला हुण भावें पानी घट जांदा इहदे विच बहन हो जांदे हन, उस वक्त साध संगत जी राह नहीं सी नदी दिंदी। उस वक्त भाई गुरदास साहब निश्चा करके गुरु साहब के शब्द के आसरे गोइंदवाल साहब सारी संगत समेत आ गए। इत्थे जदों आए गोइंदवाल साहब वड़न लगे उत्थे बच्चे आपो विच खेलदे सन, बच्चिया खेलदे नूं वचन कीता कि जे गुरु साहब नूं भावे तां हो सकदा। यह सुन के भाई गुरदास साहब बच्चिया के पैरी पए, गोइंदवाल साहब रात कट के हौली हौली फिर श्री अमृतसर साहब पुजे सन। श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब की शरण विच आए, श्री गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी की शरण विच आने करके उस वक्त गुरु महाराज साहब जी के अगे इन्हें दिल च संकल्प किया जी गुरु साहब मेरे दिल की हालत नूं बुझी लैण ते मैं महाराज साहब नूं गुरु रामदास साहब का स्वरूप जाना। यह भावना करके जो आए अमृतसर साहब विच उस वक्त चौधरी पातशाह जी कहने लगे भाई गुरदास साहब की चीज वही कर रहे हो, बच्चिया के तुम पैरी पे सी की कारण सी? उन्होंने बच्चिया के अंदर गुरु साहब का ताणा बसदा सी इस करके तुम पैरी पे। सुन के भाई साहब गुरु साहब जी दे नाम के आसरे भाई साहब जिवें नदी तो पार संगत नूं करके लिआए इवें संसार समुद्र तो पार हो जाओगे। ते जदों बचन गुरु अर्जन साहब ने किते उस वेले बस साहब जी आज जो परख हो गई कि गुरु रामदास साहब ने गुरु अर्जन साहब ने गुरियाई दिती है, जिहड़े तुफिए वगैरा महादेव वगैरा माण करदे सी इह योग नहीं, गुरु अर्जन साहब की शरण ही रह पे। गुरु अर्जन देव जी ने फिर इन्हां नूं अपनी हजूरी विच लिखण पढ़न की सेवा च ला लिया, बाहर प्रचार वास्ते नहीं सी फिर भेजे सन। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਕੁਲ ਤਾਰਿਆ ਜੀ ਮਾ ਕਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਾਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ
कई लिखारी लिखे हमें कमेटी आया भी फलाना लिखारी सी। सब तो पहला भाई गुरनाथ साहब की कल पवित्र हुई है। भाई गुरनाथ साहब जी ने गुरु महाराज साहब जी की श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो करतारपुर साहब च निवास कर रहे हैं वो भीड़ की लिखाई की है। धुना छेवें पातशाह जी लिखाई उन्होंने पासों छेवें पातशाह ने उस वक्त सर संगे जी इस प्रकार सिखी के परखण वास्ते एक दिन बचे कर रहे थे जे गुर संघ वरदा सिख सिरक नहारे। उस वे छेवें पातशाह ने बारह चलगी उथे साखी सुनाई जाएगी सिखा काबल के भेजिया घोड़े खरीद जलो मोहर छिकिया हुई वेखे तंबू पाड़ के चले गए सर कंसी आके राजे नु सिख बना लिया सब सौ पंड चर्चा करके जित लिया। इस प्रकार भाई गुरदास साहब ने आदर पाया फिर छेवें पातशाह जी ने बुलाये जलो भाई जेठे के विधिये के नाल आके सतगुरु दरबार च मुश्क बना के हाजिर होए। फिर महाराज ने कहा कहो भाई गुरदास जी गो साग वर्दा सिख सिखना हारे। तो भाई साहब ने कहा सचे पातशाह जी गुर परमाए सांग करके सिख बचारा सचे पातशाह जी घर बन्ने पाहरू कौन रखण हारा जे गुरु साहब कौन से करके परमा ने सिख बचारा की चीज है। संघ अंदर साबित जिस गुरु साहब है संघ के अंदर ओही साबित रह सकते है जिन्होंने गुरु साहब आप सहायता करो। ये सुन के सतगुरु साहब मुस्कुरा पे कहने एक गया सत सौ पंडित न लिया है इस प्रकार सिख बनाए। भाई गुरदास साहब सिखी का बड़ा भारी प्रचार कौंसी भी किया वो कौंसी इन्होंने कवित सजे आने फिर भाई गुरदास साहब नारा साहब गुरु अर्जन साहब जी ने जो भगत बाणी लिखाने लगे है उस वक्त भाई गुरदास जी अंदर संकल्प हो गया फिर गुरु साहब जी भगतों की बाणी उचार लिखा है मैनू भगतों के दर्शन नहीं कराते मारन का कल भाई गुरदास देहे आयो। भाई साहब जी लिखाई तो पहला राम सर जब तंबू जी देरे फिर सारे भगतों के दर्शन दिते सारे भगतों ने भाई नमस्कार की भाई साहब सारे भगतों नमस्कार की सारे भगतों ने आपके नाम दसे भाई साहब निश्चा हो गया। तो गुरु महाराज साहब इन्ह भगतों को सुरजीत करके फिर बाणी दिखाते नवी तो भाई साहब के अंदर संकल्प सी ए अंदर ही बुझ के मारन कहा भाई गुरदास साहब कल तेरी बाणी लिखावांगे तुसी कल लियायो। भाई गुरदास साहब जी कहन लगे भाई साहब कहन लगे सत वजे मारा जलो रात नू बराजे भाई साहब सुपना आया जानी समुद्र भाई साहब जी विचरदे है की वेखदे है जलो आप दी रचना पढ़दे उदो गोते खान लग जांदे है जलो सतगुरु नानक देव की बाणी पढ़दे उदो तन लग जांदी जिवें जहाज ते बैठा हुंदा हैरान हो गया कहने गुरु साहब की बाणी के बराबर मेरी बाणी नहीं हो सकती। सवेरे गुरु साहब जी ने कहा भाई गुरदास लिया बाणी तेरी चढ़ाईए कहन लगा नहीं महाराज आपकी बाणी तुल मैं नहीं कर सकता मेरी बाणी जी है ये रचना जरूर है पर महाराज मैं नहीं बराबरी करनी गुरु ग्रंथ साहब च नहीं मैं बाणी चढ़ाई। उस वे सतगुरान तीन बारी कहा इन फिर उस वे निम्रता ही रखी अच्छा महाराज जी वचन किए चंगा चाली बार भाई गुरदास साहब तुम रचनी है गुरबला चाहता है श्री अर्जुन आग्या इन दिनी चालीस बार तुम रचो नदीनी चाली बार तुम भाई साहब जी रचो इस ना के सिखी की मत प्राप्त होया करू गुरु ग्रंथ साहब जी खजाना है तेरी बाणी जो भेद न खुलिया करू बाणी पढ़ने करके सिखा नू तेरी बाणी पढ़ने करके भेद खुलिया करू ए कुजी दी न्याई तेरी बाणी होगी। ए बचन गुरु साहब नू बन दिता गुरु अर्जन साहब जी ने ये चाली बार भाई साहब ने रची है इकतालीवीं वार जी बहलो का गुरबास हो जरा राम राज के नाल रहा सी फिर राम राज की पत्नी जेड़ी सी पंजाब कौर ओए मसंदा नु कुछ बिगड़ के इन्हू कढ़ा दिता सी ए गुरु गोबिंद सिंह साहब की शरण आया सी आनंदपुर साहब उस रची है बार इकतालीवीं। इस प्रकार इकताली बार हंसा सिंह जी तीन सौ छपंजा कृत भाई गुरदास साहब के हैं जो कांसी विच उचारण किए सन सतगुरु हरगोबिंद साहब की हजूरी च उचारण किए सी हुण इत्थे बारह आरंभ होंदियां सुनो।